अभी टाइम हो रहा है 5:30 और हम थोड़ा फ्रेश हो गए हैं और अभी ये हमारा होटल होटल से बाहर निकल के हम आगे जा रहे हैं। और यहाँ पे आगे सामने है बिकनी बीच। जा रहा था चल करके। और ये एक शंख टाइप का है, शंख में कीड़ा भी है, लाइव शंख है। तो वेट करते हैं, ये चल के जाएगा, अभी देखते हैं। सपना राजा कि घर मैंने होटल से निकलो और ऐसे शंख चल चल के जा रहे हैं। सपना को हकीकत मैंने बनाया है। नहीं चल रहा, वो डर गया होगा ना। आवाज होने से नहीं चल रही, थोड़ी देर बाद। चलो वो चलो, पूरा उड़ उड़ के जा रहा है। इधर से आओ। देखिए कुछ हुआ है ना। हाँ, यहाँ भी एक प्रॉपर्टी है, वाली बीच लॉज मालदीव्स। अच्छा प्रॉपर्टी है। हाँ, यहाँ पे बैठने की जगह है और ज़्यादा दूर नहीं, 10-12 कदम बस, और 2-3 कदम कि आ गए हम बिकिनी बीच। ये है बिकिनी बीच। पानी बिल्कुल स्टेबल, बहुत स्टेबल, आराम से अंदर जा सकते हैं। सनसेट हो रहा है तो हम अपना टाइम अभी यहाँ स्पेंड करेंगे थोड़ी देर, और उसके बाद थोड़ा सिटी का चक्कर लगाएंगे। गुड इवनिंग गाइस, अभी टाइम हो रहा है 6:45 और हम अभी अपने गेस्ट हाउस में हैं। हमने चाय बनाई, चाय जो कि अनलिमिटेड है, फ्री है, कितना भी पी सकते हो, और चाय पी रहे हैं। और अयान अयान अपना फेवरेट गाना देख रहे हैं, सिम्बा का। तो यहाँ तो मालदीव में आके हिंदी गाना, बॉलीवुड गाना देख रहे हैं और लोग परेशान हैं गाना सुन के, लेकिन अयान मज़े मज़े उठा रहा है। तो अभी चाय पीते हैं, उसके बाद का प्लान अभी तक कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, कुछ भी हो सकता है। लेट्स वॉच। लाइट बहुत कम है स्ट्रीट में। 8 बज चुके हैं, शाम के 8, और हम निकल रहे हैं डिनर खाने के लिए। जस्ट आगे जाके एक रेस्टोरेंट है, श्वेता और रयान ऑलरेडी जा चुके हैं आगे, तो मैं अभी बस रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा हूँ। जिस रास्ते से हम लोग आए थे, जस्ट बीच के सामने ही एक रेस्टोरेंट है, लिल या ऐसा कुछ नाम है उसका। तो शायद लाइट बहुत ज़्यादा कम है, ओनली स्ट्रीट लाइट्स हैं और बहुत ज़्यादा पेड़ हैं, तो फिर वीडियो उतना ज़्यादा क्लियर नहीं होगा। रेस्टोरेंट बहुत ही पास है हमारे होटल से, हमारे गेस्ट हाउस से 100 मीटर 100 मीटर्स में रेस्टोरेंट है। बस मैं होटल से निकला था, अब पहुंच भी चुका हूं। ये है रेस्टोरेंट, ILLY एली, ये ऐसा है रेस्टोरेंट। ये रायान नहीं दिख रहा अंधेरे में। तो अभी हम खाना ऑर्डर करते हैं, फिर देखते हैं।
पहली तो आइलैंड में ये हमारा पहला डिनर है, मैंने मंगाया है। ये क्या है? टूना, टूना राइस विथ ऑमलेट विथ चिकन सॉसेस। और वेज में है वेज राइस, वेज राइस मेन्यू में था नहीं, स्पेशली हमारे लिए उन्होंने बनाया है। और वेज राइस है 45 रुपया का, मतलब $3 का। और ये है 50 रुपया का, शायद 50 रुपया का, वही सेम $3.25 का। तो अभी खाना खाते हैं। और पापड़ कॉम्प्लीमेंट्री दिया है नॉर्मल फ्राइड राइस है, लेकिन $3 के साथ तो क्वांटिटी कम है। इंडिया में इतने राइस को कितना? 40 रुपए। चलो 100 रुपए का, लेकिन यहाँ पे कितना? $3, मतलब 210 का पड़ा, ऑलमोस्ट डबल। ठीक है, कांट हेल्प। ये भी राइस है, चलो हम लोग डिनर खत्म करते हैं। विच आइलैंड वी आर गोइंग? दिस नेम केओदू। तो टाइम हो रहा है, 9 बज रहे हैं, और मैं अपने होटल जो होस्ट हैं उनके साथ केओदू आइलैंड जा रहा हूँ। उन्होंने बोला है कि वहाँ पे लाइव शार्क देख सकते हैं। तो ये है स्पीड बोट, लाइट बहुत कम है। और ये पहली दो से निकल चुके हैं, मैं कहीं उसे जाके फिर रिकॉर्ड करता हूँ। लाइट बहुत कम है यहाँ। पानी में एक स्टिंगरे है, आगे मुझे क्लियरली दिख रही है। अंदर चली गई। गई अंदर चली गई। स्टिंगरे वापस आ गई है। ये रही बिल्कुल पास। यहाँ पे ये लोग मछली काट रहे हैं और साफ करके उसका जो वेस्टेज पार्ट है वो फेंक रहे हैं, इसलिए वो खाने के लिए यहाँ आ रही है। इससे अंदर चली गई। ये आ गई बड़ी वाली। पूरी फ्लैट है और ऊंच इसकी बहुत बड़ी है। और फिर भाग गई। चलो मैं फुलिदो में स्टिंगरे नहीं देख पाया था, एटलीस्ट फेलिदो में देख लिया मैंने एक छोटी और एक बड़ी स्टिंगरे, और वो भी बहुत पास से। चलो थैंक यू, थैंक यू टू फेलिदो। पाँच मिनट का रास्ता फेलिदो से केदो आइलैंड, ये जो थर्ड आइलैंड है डिनांडो फेलिदो केदो, तो यहाँ पहुँच गए हैं। और ये बोल रहे हैं कि इस पानी में शार्क दिखेंगी। वो देखते हुए आगे चलते हैं। Thank you.
दिख रहा है, नहीं नहीं कहा मुझे तो दिख रहा है। पैर के नीचे कम से कम 4 या 5 शार्क्स यही घूम रही हैं। फेंक रहे हैं और वो शार्क्स ब्रेड खाने के लिए इधर आ रही है। आज सी थोड़ा मतलब अनस्टेबल है, इसलिए पानी क्लियर नहीं है ज़्यादा, वो बोल रहे हैं, नहीं तो पूरा क्लियर होता है और अच्छे से विजिबल होता है।